हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर पेज कैसे बनाते हैं। आपने देख लिया फेसबुक पर पेज के बारे में सुना होगा कि फेसबुक पर पेज बनाते हैं, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं या कोई भी एक फैन पेज होता है या ऐसे टी सीरीज हुई, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हुई उनके पेज होते हैं, जोक्स के पेज होते हैं, मीम्स के पेज होते हैं, यानी कि फेसबुक पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर पेज कैसे बनाते हैं, यानी कि आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए। अगर आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट, जब हम बनाते हैं इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर, तो वो एक सिंपल अकाउंट होता है, यानी कि वो एक सिंपल अकाउंट होता है, वो पेज नहीं होता है। जैसा कि आप इसमें प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर फोटो आइकन जो लगा है बॉटम राइट में, इस फोटो पर जाके आप देखेंगे कि ये हमारा एक नॉर्मल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है और ये कोई भी पेज नहीं है। इस पर सिंपल ये पोस्ट मैंने अपलोड की है और ये मेरा ही है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं, अब इसको हमें इंस्टाग्राम पेज पर बनाना है, इसका हमें पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाकर ये राइट में टॉप पर जो देख सकते हैं कि आप यहाँ तीन लाइन जो दिख रही हैं, इसमें जाके आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है सबसे नीचे। तो सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अकाउंट्स के अंदर जाना है, सॉरी अकाउंट के अंदर जाना है। जब आप अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आप सबसे नीचे जाइए। नीचे जाने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि इंस्टाग्राम पर पेज बनाने के लिए नॉर्मल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए, इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए, रीच मोर पीपल इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए, गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसा होता क्या है कि जैसे हम फेसबुक पर पेज बनाते हैं तो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, रीच ऑडियंस को ढूंढते हैं, उसी प्रकार इंस्टाग्राम पर पेज बनाते हैं तो वह जो पेज बनाते हैं ऑडियंस को, ज़्यादा ऑडियंस तक रीच पाने के लिए पेज में हमें कुछ और ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। देखिए इंस्टाग्राम का जो नॉर्मल अकाउंट होता है उस पर उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर देते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कैटेगरी, तो देखिए मेरा पेज ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो मैं हेल्थ एंड फिटनेस देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ इसमें हेल्थ एंड फिटनेस है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड ब्यूटी सबसे ऊपर जो आ रहा है ये, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का ये अकाउंट है हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। अब इसको मैं डन कर दूंगा। डन करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, लोडिंग हो रही है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बिजनेस या क्रिएटर। देखिए आप यहाँ से जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, दुकान है, आप बिजनेस करते हैं, और तो आप इसको टिक कर लीजिए, यहाँ से इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटर हैं, यानी कि आप वीडियो अपलोड, यानी कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर, यानी कि आप क्रिएटर का मतलब होता है वीडियो क्रिएट करना, और कोई फिगर है या आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन ये मेरा अकाउंट जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है, इसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ और फोटोज़ भी अपलोड करता हूँ और हेल्थ के टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टिक कर दूँगा, इस पर मैं टिक कर दूँगा क्रिएटर पर। तो क्रिएटर पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर देते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के नॉर्मल अकाउंट को इंस्टाग्राम के पेज में कर देते हैं, तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लर्न फ्रॉम अदर्स, और यहाँ से इनवाइट फ्रेंड्स कर सकते हैं, शेयर फोटो एंड वीडियो, यानी कि ढेर सारे आपके लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए सारा काम हो चुका है, सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से बैक कर देंगे, सॉरी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पर अब हम यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने पर आपको देखिए कंप्लीट योर प्रोफाइल, ये जो बोल रहा है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। तो जैसा कि मैंने देखा आपकी ये हेल्थ का पेज है, तो यहाँ पे हेल्थ टिप्स फॉर यू, इसका यूज़र नेम तो आप देख सकते हैं ये है। अगर मेरी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक हम यहाँ एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अच्छी बात है। और यहाँ बायो एंटर कर सकते हैं, यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो आपने पेज बनाया है, प्रोफेशनल अकाउंट जो बनाया है, वो किसके ऊपर है, आप यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। तो देखिए सारा कुछ हमने कर दिया है, अब यहाँ पर इधर ये टिक कर देंगे, इस पर टिक करने पर आपका ये सक्सेसफुली अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इस पर टिक कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं क्लोज। अब देखिए अब इसमें देखिए जब हमने ये प्रोफेशनल अकाउंट, जो नॉर्मल अकाउंट होता है, उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रमोशन, इनसाइट, ये सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, सिर्फ
एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम को पेज में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट बना देते हैं, तो उसमें आपको प्रमोशन यानी कि आप ऐड चला सकते हैं, पैसे खर्च करके अपने प्रोडक्ट का, अपने वीडियो का, अपनी पोस्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। इनसाइट में जाकर उनकी एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए इनसाइट के अंदर चलते हैं। इनसाइट के अंदर जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर एक एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है जहाँ से पता चलता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में जो इनसाइट होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इसमें देखिए योर ऑडियंस, कंटेंट इंटरेक्शन, तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन आते हैं और यहाँ से आप एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको बैक करते हैं। और प्रमोशन, अब देखिए प्रमोशंस के अंदर चलते हैं। प्रमोशंस में होता क्या है, हम ऐड चलाते हैं। तो आप देखिए इसके सुपर हेल्थ टिप्स वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ इस पर क्लिक करने पर आप कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए प्रमोशंस का मतलब यही होता है। फिलहाल मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रमोशन में पैसे खर्च होते हैं। आप किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रमोशन होता है। तो आपको मैंने बताया इस वीडियो में कि आपको नॉर्मल जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है उसको आप प्रोफाइल के अंदर जाकर आप यहाँ तीन लाइन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, अकाउंट्स के अंदर जाएंगे और आप देखिए प्रोफेशनल अकाउंट जहाँ से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्विच अकाउंट टाइप, यानी कि अगर वापस से आपको नॉर्मल अकाउंट बनाना है यानी कि पेज हटाना है तो आप इसको स्विच कर सकते हैं और यहीं से आप यहीं ऑप्शन आ जाता है प्रोफेशनल अकाउंट का। लेकिन अब ये मैंने प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर दिया ताकि अब ये प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है। इसी को हम इंस्टाग्राम पेज बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इंस्टाग्राम से रिलेटेड अगर आप भी और भी ढेर सारी जानकारियाँ चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।